जिसमें लगभग 48 परिवारों ने अपना घर खो दिया। आप जानते हैं जागीर भाई, ये आसान चीज नहीं है, एक घर बनाने में जिंदगी खप जाती है। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐप के। आज हम मौजूद है SDPI कलवा मुमरा, जो आप लोगों के ऑफिस का ओपनिंग हुआ है। मैं हूं जहांगीर रियासत, न्यूज़ ऐप के में आप लोगों का स्वागत है। किस तरह से ये ऑफिस की ओपनिंग, क्या जनता को संदेश? भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख है। शाहरुख, किस तरह से ये SDPI का पहले फुल फॉर्म बोलिए। SDPI का फुल फॉर्म जो है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, और हमारी पार्टी जो है 2009 21 जून को दिल्ली में फॉर्म हुई थी, और आज हमारे मुमरा कलवा विधानसभा कार्यालय की ओपनिंग थी यहाँ पर, और हमारे एक तकरीबन 200 से भी ज़्यादा कैडर्स हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से यहाँ पर जो है प्रोग्राम हुआ है, गैदरिंग हुई है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस जोश के साथ में हम लोग ने आज ऑफिस की ओपनिंग की है, उसी जोश के साथ में जो है मुमरा की आवाम के बीच में हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे, और आवाम के बीच में रहकर काम करेंगे, और जो भी लोगों के आम लोगों के मुद्दे हैं, जैसे हमारे शहर के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, उन मसले मसाइल को लेकर इंशाल्लाह हम लोग जो है तो वो काम करेंगे। जैसे कि शाहरुख भाई, मुमरा शहर के अंदर अब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं रही, सभी धर्म के लोग आए, तो उनके लिए क्या काम करेंगे आप? देखिए, अगर आप हमारी नेशनल लीडरशिप में देखेंगे तो आप हमारी नेशनल लीडरशिप के अंदर भी जो है तो ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, हमारी नेशनल लीडरशिप के अंदर जो है तो त्रिपाठी साहब भी है, भास्कर जाधव साहब भी है, और फ्रांसिस साहब भी है करके, तो ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, ये एक सेक्युलर पार्टी है इस देश की, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो हमारे सेक्युलर दूसरे धर्म के लोग भी जो है हमारी पार्टी से जुड़ सकते हैं, और सब मिल के हम एक साथ में इंशाल्लाह है हमारे शहर की बेहतरी के लिए हम लोग काम करेंगे। भाई बोलिए। मेरा नाम सरफराज है, आज हमारी ऑफिस पार्टी ओपनिंग थी विधानसभा, तो जैसे भाई ने बोले कि हम यहाँ पे पार्टी जो ओपनिंग हुई ऑफिस की वो आम जनता के लिए ओपनिंग हुई, और हम काम करेंगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान की पार्टी है, ये पूरी आवाम की पार्टी है, सब जो दूसरे मजहब के भी लोग हैं वो हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि हमने आप इससे पहले भी देखेंगे कि आदिवासी दिवस हुआ था, उसमें भी हमारी पार्टी ने उनके एरिए में जाके उनको शॉल वगैरह पहनाया था, उनका सत्कार किया था, तो ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये पार्टी जो है वो मजलूम की एक आवाज़ है, जिसके ऊपर भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो कौन से भी धर्म का हो, हम उसके लिए हमेशा खड़े हैं, हमारे पार्टी के कैडर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर्स हैं, उसके लिए हमेशा खड़े हैं, उनके लिए हक के लिए हम लड़ेंगे और उनको इंसाफ दिलाएंगे। भाई बताइए, आप भी स्थानीय है, इस शहर को देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा शहर का इस वक्त क्या है? देखिए जहांगीर भाई, अगर हम मुमरा के मुद्दों को देखें तो यहाँ पे एक ये जो इलाका है, कहीं ना कहीं ये एक तरह से गेटो बन चुका है, मुस्लिम गेटो। यहाँ के आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सोसाइटी के लिए अहम होता है ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। आप यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखिए, यहाँ आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस देखिए, यहाँ पे आप लाइब्रेरी देखिए, यहाँ पे सैनिटेशन का इशू है, यहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का इशू है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस के इशू हैं, मतलब आप जो भी एक पिछड़े इलाके की पहचान हो सकती है वो सब की सब मुमरा के अंदर मौजूद है। बावजूद इसके कि हम लोग कोई रिमोट एरिया में नहीं है, हम लोग किसी महाराष्ट्र के दूर के इलाके में नहीं, हम लोग जो महाराष्ट्र का कैपिटल एक तरह से समझिए आप फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया का है, उससे हम लोग बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर हैं, है ना, उसके बावजूद हमारी ये हालत है, और हमने यहाँ पे सालों साल डिफरेंट लोगों को मौका दिया है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रही है काफ़ी, उसके बावजूद भी कोई चेंजेस हमको खास देखने को नहीं आते। आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ जो काम हुआ है टोकनिज्म का काम, आप देख लीजिए यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए स्कूल नहीं है, और उसके अलावा जो यहाँ पे हर लेवल पर जो करप्शन है, आप इसको देखिए, आपसे कोई चीज़ छुपी तो है नहीं, आप यहाँ के काफ़ी एक्टिव पत्रकारों में से हैं, तो आपको यहाँ के सारे बेसिक मुद्दे मालूम हैं, और हमारी पार्टी जो है ये हम कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हमको आना पड़ा, हम में से कोई भी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है, मगर हम क्यों आए, क्योंकि यहाँ जो आवाम के मुद्दे हैं वो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में याद रखे जाते हैं, उसके बाद भूल जाएगा, तो हम वो पॉलिटिक्स नहीं चाहते। हमारी पार्टी का एक स्लोगन है, भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। यहाँ पे हमारे बच्चों के पास काम नहीं है,
3,000-4,000 की नौकरी के लिए ये बच्चा मेरा लटक के यहाँ से मुमरा का लड़का, मुमरा की लड़की ट्रेन में लटक के जाती है। आप आए दिन देखिए उनके हाथ से कभी ट्रेन से गिर के मर जाते हैं 3,000 रुपये के मजदूर। ये क्या है, यहाँ पे जब कोई बच्चा गिरता है तो सिर्फ मुसलमान का बच्चा नहीं गिरता है, वो बच्चा किसी भी जात किसी भी धर्म का हो सकता है। आपने क्या फैसिलिटी दी कि मुमरा का बच्चा मुमरा में नौकरी करके कमा नहीं सकता है? आप देखिए एरोली की हालत देखिए, एरोली के पास एक से एक बिजनेस पार्क है, मुमरा के पास नहीं हो सकता था। तो आपने वो जो ज़मीनें थी जो कहीं इस्तेमाल हो सकती थी वो आपने इलीगल करप्शन में ले लिया आपने, या फिर आपने बिल्डर्स को दे दिया और बिल्डर्स आज उसके मजे उड़ा रहे हैं, तो ये यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? तो हम जो यहाँ हमारी जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है जहांगीर भाई, वो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है जिसमें हम डेवलपमेंट की बात भी करते हैं, जिसमें हम हर किसी के इंक्लूजन की बात करते हैं, साथ ही साथ हम जो यहाँ फासिस्ट सेक्टेरियन आज चल रहा है धर्म की जो राजनीति हुई है उसके खिलाफ काम करते हैं। हमारा जो पुराना पूरा एजेंडा है वो सोसाइटी का ग्रोथ और डेवलपमेंट है। मुमरा शहर के अंदर एक स्टोरी अवैध कंस्ट्रक्शन की बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, भोलेनाथ नगर के अंदर 50 से 70 परिवार बेघर हो गए, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हो? देखिए सबसे पहले तो ये जो हुआ ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें लगभग 48 परिवारों ने अपना घर खो दिया। आप जानते हैं जागीर भाई ये आसान चीज़ नहीं है, एक घर बनाने में ज़िंदगी खप जाती है, एक इंसान तिनका तिनका जोड़ के एक आशियाना बनाता है और उसके बाद एक बार गवर्नमेंट की तरफ से सरकार की तरफ से हमारी जो न्यायपालिका है जुडिशरी उसकी तरफ से एक ऑर्डर आता है और वो सब चीज़ खत्म हो जाती है। देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए हम न्यायपालिका का तो एहतराम करते हैं, जुडिशरी का जो ऑर्डर है उसको मानना है हर एक जिम्मेदार नागरिक की जिम्मेदारी है, मगर मेरा सवाल ये है जागीर भाई आपके माध्यम से मैं पूछना चाहूँगा कि जिस दिन वो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उस दिन ये ऑफिसर्स कहाँ थे? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? उन वो जो 48 लोगों ने घर खरीदा उन्होंने कहीं ना कहीं से तो पैसा जुटा के खरीदा होगा ना, वो सब के सब कहीं से करप्शन करके तो पैसा नहीं लाते ना, उनकी मेहनत की कमाई जब वो दे रहे थे बिल्डर को, तो आज जुडिशरी ने जो भी फैसला दिया है डेफिनेटली उसका जो भी लीगल प्रोसीजर होगा वो किया जाएगा, अगर हमारे पास चीज़ आती है तो हम उसको देखेंगे, मगर अभी मेरा कहना ये है कि जो उस वक्त कंस्ट्रक्शन हुआ उस वक्त लोग कहाँ थे, सो रहे थे? तो जितने भी इसमें लोग शामिल हैं बिल्डर्स लेके जो पॉलिटिशियन नेक्सस होगा उसके अलावा जो भी आपके ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम सईद चौधरी है, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज आप लोग ने देश भर में पार्टी ऑफिस की ओपनिंग की है, तो किस तरह से आप मुमरा में काम करेंगे? मुमरा में आज ही हम लोग कदम नहीं रखे,
मुमरा हमने हम काफ़ी टाइम से हम काम कर रहे हैं, 2 साल से करीब काम कर रहे हैं और ये हमारी दूसरी ऑफिस है। इसके पहले हमने और आइडल पार्क में हमने ऑफिस खोला था, लेकिन जैसे ही हमारी पार्टी ने कदम रखा, यहाँ की जो दूसरी सियासी पार्टी है जो अपने आप को बॉस और शेर कहती है, वैसे ही उनके कदम ठगमगाने लग गए और वो जिससे हमने ऑफिस लिया था रेंट के ऊपर, वो उनको उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उनको भड़काना शुरू कर दिए, ये पार्टी ऐसी है, ये पार्टी वैसी है। इसका मतलब ये पार्टी में कुछ तो बात है कि लोग जो आज सत्ता में रह के डर रहे हो हमारे से, तो पार्टी को हमारे को हमारी बंद कराने का उन्होंने काम किया। अभी वापस से हमने हमारी दूसरी ऑफिस ली है और ये ऑफिस के जरिए से हम काम करेंगे, शुरू किया।